डेंगू मरीजों पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नाकाम है। 1 अक्टूबर से अब तक डेंगू के 115 केस जो है वो मेरठ में सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में डेंगू के नए 5 मरीज मिले हैं। जिले में अभी भी डेंगू के 23 एक्टिव केस है। देखिए, लगातार प्रदेश की अलग अलग जिलों में अलग अलग जनपदों में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। डेंगू और संचारी रोगों का प्रकोप लगातार प्रदेश भर में जारी है। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं, चाहे वो सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, वो खुद दौरे कर रहे हैं, लोगों के हालचाल जान रहे, व्यवस्थाएं जान रहे, उसके बावजूद भी लगातार डेंगू का कहर जो है वो फैल रहा है। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, एक्टिव केसों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। लगातार जिस प्रकार से डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, डेंगू से मौत हो रही है, लोगों के बीच में एक जो है भय का माहौल है। मेरठ में भी 1 अक्टूबर से अब तक डेंगू के 115 केसेस सामने आ चुके हैं। जिले में अभी तक डेंगू के 23 एक्टिव केस है। 1 अक्टूबर से अब तक 115 केस, बीते 24 घंटे में 5 नए मरीज डेंगू के एक्टिव पाए गए हैं। 24 घंटे में डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। लगातार डेंगू के जो मरीज है उनके बढ़ने से जो भय का माहौल है वो बना हुआ है। डेंगू का आतंक लगातार पूरे प्रदेश भर में जारी है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसके बावजूद भी डेंगू पर कंट्रोल नहीं हो सकेगा। संवाददाता नरेंद्र इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, मेरठ की स्थिति इस वक्त क्या कुछ बनी हुई है? मेरठ भी डेंगू के चपेट में है, कितने एक्टिव केसेस हैं वहां पर और किस प्रकार से मरीजों का ध्यान रखा जा रहा है और किस प्रकार से जो है तैयारियां की जा रही है कि डेंगू के और संचारी रोगों से लोगों को बचाया जा सके? नरेंद्र, देखिए, तैयारियां जितना कागजों में की गई हैं उतना जमीन पर नहीं दिखती। 5 एक्टिव केस पिछले 24 घंटे में आए हैं और अभी तक जो 1 अक्टूबर से लेकर टिल नाव जो केस मिले हैं उनकी संख्या 115 है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि अगर आप निजी अस्पतालों में देखें तो वहां पर ऐसे बहुत सारे डेंगू के संभावित मरीज हैं और संदिग्ध मरीज हैं जिनका प्राइवेट लैब में टेस्ट हुआ और उसके बाद उनको डेंगू के मरीज कह के वहाँ पर भर्ती किया गया और उसी के हिसाब से उनका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन चूंकि डेंगू की जो टेस्टिंग की व्यवस्था है केवल सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में है तो वहाँ पर उतने ज़्यादा मरीज नहीं पहुँच रहे हैं और इसीलिए जो सर्टिफाइड या ये कहें कि जो अप्रूव्ड मरीजों की संख्या है वो बहुत कम है। लेकिन जमीनी तौर पर एक बहुत बड़ी संख्या है। आप ओपीडी में देखेंगे, चाहे वो सरकारी ओपीडी हो, चाहे किसी प्राइवेट अस्पताल या क्लिनिक की ओपीडी हो, वहाँ पर भी बहुत सारे मरीज लगातार आ रहे हैं। और ये जो सीजन है, इस सीजन में लगातार चिकनगुनिया और डेंगू के मरीज रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से रोकथाम के दावे किए गए थे स्वास्थ्य विभाग की ओर से, ऐसे जमीन पर नहीं दिखते। मैं इस समय सिविल लाइन इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि शाम को जैसे ही धुंधल का छाता है उसके बाद नगर निगम की जो फॉगिंग मशीन है वो यहाँ पर आकर घंटों फॉगिंग करती है। लेकिन किसी शहर की और किसी कॉलोनी में, किसी मोहल्ले में, किसी घनी बस्ती के इलाके में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर फॉगिंग मशीन नहीं पहुँचती। मलेरिया विभाग लगातार फॉगिंग कर रहा है देहात में, ये दावे हैं। लेकिन देहात से ही बड़ी तादाद में लगातार डेंगू के मरीज आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो रोकथाम के दावे सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने किए थे वो दावे जमीन पर उतरते नहीं दिखते। यही वजह है लोग जागरूक भी नहीं हैं उतने जितने होने चाहिए और स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें भी उतनी परवान नहीं चढ़ रही जितनी कागजों में दिख रही हैं। त्रिशला, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया नरेंद्र। उत्तर प्रदेश की योगी